अगला सवाल है बादशाह खान साहब, कह रहे हैं कि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट शो और म्यूजिकल शोज लेकर लोग निशाना बनाते हैं, इनको क्या कहा जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई काम जो गलत है, चाहे सऊदी अरब में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, जो गलत है वो गलत है। सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों के बारे में यकीनन उलमा बेचैन है और हमें अपने दिल में इस बात को महसूस करना चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि जो इस तरह की गलतियां होती है उसकी मुखालफत में सोशल मीडिया पर शोर किया जाए, गलत अंदाज के बयानात दिए जाए। इस्लामी हुकूमत जहां होती है उसकी कमियों और कोताहियों को जब तक वो कुफर बुआह और खुल्लम खुल्ला कुफर और शिरक ना करने लगे, जब तक उसकी इताअत वाजिब है और उसकी गलतियों पर नुस्ख खैरखाही का उसलूब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हुक्काम से मौजूदा दौर के वसाइल के जरिए, खतो किताबत के जरिए इन चीजों पर गुफ्तगू करनी चाहिए और उनको नसीहत की जानी चाहिए कि इस तरह की चीजें ना की जाए। लेकिन खुल्लम खुल्ला इस तरह की नसीहत करने का जवाज मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को अपनी खामियों को खत्म करने और गलतियों से रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और हमको नसीहत करने में इस्लामी उसलूब को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।